अस्सलाम वालेकुम जनाब। गुड गुड गुड। खैरियत? यस खैरियत से रहिए। 6 दिन हो गए हैं, अभी 3 दिन बस और बचे हुए हैं। 3 दिन अगर थोड़ा सा धैर्य रख लिया आप लोगों ने, थोड़ा सा संभाल लिया, थोड़ा सा जज्ब कर लिया अपने आप को, तो अपनी सिचुएशन बेटर होगी, अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन अच्छी होगी। अभी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है खाने की या पीने की या तबीयत की खराब की, दवाई की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? तबीयत तो खराब नहीं है किसी की? सभी लोग ठीक हैं? ओके। एक रिक्वेस्ट ये है, दरखास्त आपसे ये है कि ये जो लोग गली भी घूम रहे हैं, ये सब कुछ आपके लिए किया गया है, ये हम कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो अपने दोस्त यार जो मित्र हैं उनको बोलिए कि गली में जितने लोग घूम रहे हैं तो वो कर्फ्यू का फायदा नहीं रह जाएगा अपना, जो लॉकडाउन का फायदा है वो चला जाएगा। तो अपनी जानिब से आप इनको रिक्वेस्ट करिए कि दरख्वास्त करिए कि इसमें वो थोड़ा सा 6-3 दिन और बचे हुए हैं, 6 दिन अपना हो गया, 3 दिन और बचे हुए हैं, थोड़ा सा अपने आप को जज करें, अपने आप पे कंट्रोल करें एंड अपनी सिचुएशन बेटर होगी। तो अगेन मैं तो अभी केवल आप लोगों को यहाँ आपकी खैरियत पूछने के लिए आया था कि आप लोग सभी लोग ठीक हैं। तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोग बताएंगे अपने दोस्तों को, इंशाल्लाह बताएंगे। चलिए इंशाल्लाह। मैं महानगर पालिका आयुक्त आस्तिक पांडे। ओके साहेब अस्सलाम वालेकुम। तो इन लोगों को फोन करके इधर गली वालों को बताइए कि गली में नहीं घूमना है, ठीक है, मेन रोड पर हो गया, गली में भी नहीं घूमना है। और अभी केवल 3 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन अगर अपना अच्छे से लॉकडाउन हो गया देन अपने चांसेस अच्छे रहेंगे। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, आप लोगों से बात कर ही रहा हूं तो, पहले जो होता था अपने पास में, पहले जब हम टेस्ट करते थे या किसी की पहली चीज की, ये कोरोना में अगर तीन चार दिन के अंदर अगर हमको पता चल गया कि, जैसे मुझे अगर पता चल गया कि 3 दिन के अंदर कि मुझे कोरोना है, तो मेरा कुछ इलाज हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अगर 4-5 दिन हो गए तो फिर इसकी दवाई भी नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है, तो इस वजह से इसमें ठीक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए टेस्ट करवा लेना बेटर होता है। पहले क्या होता था अपने यहां पर, पहले चूंकि टेस्टिंग फैसिलिटी जो थी या RT-PCR उसको बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजी जो है, जैसे अपना मोबाइल की एक टेक्नोलॉजी है, एंड्रॉयड है, उसी तरीके से टेस्टिंग टेक्नोलॉजी जो थी उसको 24 घंटे लग जाते थे रिजल्ट आने में। अभी अपने पास में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, एंटीजन बोलते हैं उसको, 1 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं कि निगेटिव हैं। अच्छा अगर पॉजिटिव आप आ गए तो भी अपने पास में नौखंडा कॉलेज है वहां पर अपने पास में मुकम्मल व्यवस्था है, तो आप आराम से नौखंडा कॉलेज में जाकर के एडमिट हो सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम टाइम अपने पास जामा मस्जिद जो अपनी है, जामा मस्जिद में भी आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन बोलते हैं, तो जामा मस्जिद में भी CCC मतलब कि अगर पॉजिटिव आ गए तो वहां भी ट्रीटमेंट की व्यवस्था है और क्वारंटाइन की व्यवस्था है। तो अभी क्वारंटाइन जो पहले कहीं इधर उधर लेकर के जाते थे वैसी जरूरत हमको अब नहीं पड़ने वाली है। अब अगर मान लो पॉजिटिव आ भी गए तो अपने पास में जामा मस्जिद अवेलेबल है, नौखंडा कॉलेज अवेलेबल है और भी अलग अलग मस्जिद अवेलेबल है, उपस्थित है, तो जाकर के वहां एडमिट हो सकते हैं, 3-4 दिन में 5 दिन में ठीक हो सकते हैं। तो मेरा अभी रिक्वेस्ट ये रहेगा कि औरंगाबाद के दूसरे जितने भी पार्ट हैं हर एक जगह पर सर्वे हो रहा है और टेस्ट हो रहा है। जबरदस्ती कोई कर नहीं पाएगा आपसे, मुझे भी पता है, और जबरदस्ती हमको कोई करनी भी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अपने सभी जो इस एरिया के मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे बात करिए और ये कन्विंस करिए कि आधे घंटे के अंदर अगर टेस्ट हो रहा है तो करने में क्या बुराई है। आप पॉजिटिव आते हैं तो जहां आपका मन करे वहां पर आप जाइए, आपको एशियन हॉस्पिटल में जाना है, अपने उधर हॉस्पिटल में जाना है, जामा मस्जिद जाना है या नौखंडा जाना है, जहां आपकी मर्जी है वहां पर आप जाइए।
लेकिन टेस्ट कर लीजिए कि कारण कि क्या हो रहा है, अगर टेस्ट नहीं किया और कोरोना अगर गंभीर हो जाता है तो बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो हमारी दरख्वास्त, मेरी गुजारिश मनपा आयुक्त करके आस्तिक पांडे, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जब भी लॉकडाउन के बाद में आपको अवेलेबल मिलेगा, मैं कैंप यहाँ पर लगवाऊंगा, तो आप आकर के टेस्ट कर लीजिएगा, आधे घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। आपको रुकना है, आप यहाँ अगर आपको हॉस्पिटल जाना है हॉस्पिटल जाइए, कहीं और जाना है कहीं और जाइए। अगर आपका मन करता है कि आपको ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग हो गई या दूसरी बिल्डिंग हो गई, हम यहाँ पर क्वारंटाइन की व्यवस्था कर लेंगे, मैं वो भी अलाउ कर दूंगा। आप अगर कोई पॉजिटिव आता है तो आप दूसरी बिल्डिंग में भी कर लीजिए, सारे मोहल्ले के लोग मिल करके। अगर जैसे ये पूरी कॉलोनी है, इसमें आपने डिसाइड कर लिया कि एक फ्लैट में खाली पड़ा हुआ है एंड उसमें ये वाला खाली लग रहा है, तो आपको लगा कि हाँ ठीक है कोई पॉजिटिव आ गया है और हम इसमें अकेले रह जाएंगे, तो औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको वो भी अलाउ कर देगी डॉक्टर की देखरेख में। लेकिन जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, और ऐसे ही फैलता रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि यंग लड़कों को अगर हो गया, जैसे आपको अगर हो गया, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समस्या वहां से शुरू होती है अगर कोई 40 साल के 45 साल के ऊपर का आदमी है, अगर उसको अगर हो गया देन फिर उसके बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद में जब हम कैंप यहां पर लगाएंगे तो मेरी आपसे औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से आपसे ये गुजारिश है, हाथ जोड़ करके ये मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि जब टेस्ट होगा तो आप आकर के टेस्ट करवा लीजिएगा। एंड और याद रखिए, यही टेस्ट जो आज आपको फ्री में हो रहा है, कल को अगर आप हॉस्पिटल में जाना पड़ा तो वहां पर पैसा देना पड़ेगा। चलिए ओके, थैंक यू। अजान शुरू हो गई है, आप लोग चलिए।